हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ ऑफ साइन या साइन लॉ रूल जिसे कहते हैं, हम उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरम को समझ लें। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है? यहाँ पर मैंने इसकी थ्योरम लिख रखी है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू देम। ठीक है, अब आप मानिए कि ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें आप कोई सी भी साइड ले ले, जैसे मैंने ये साइड ली ए। ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, दिस ए इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल, दैट इज ए। ठीक है, और इनको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें आज के वीडियो में ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये जो लॉ है, ये कोई से भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, डेट इज वो ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, या राइट एंगल ट्राइंगल हो, तीनों के लिए वैलिड है। ठीक है, ये वर्टेक्स है ए बी सी। ठीक है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है, बी सी की लेंथ है ए के बराबर, ए बी की लेंथ है सी के बराबर, और ए सी की लेंथ है बी के बराबर। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिए कि वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है उसे ए बोला है, वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड है उसे बी बोला है, वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड है उसे सी बोला। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल सॉरी स्मॉल एच। ठीक है, तो अगर मैं साइन बी निकालना चाहूँ, ठीक है, साइन कैपिटल बी, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा? एच बाय सी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन सी निकालना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, तो साइन सी वुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो वो भी होगा एच बाय बी के बराबर। ठीक है, यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा? सी साइन बी। यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा बी साइन सी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो सी साइन बी वुड बी इक्वल्स टू बी साइन सी, दैट इज साइन बी बाय बी इक्वल्स टू साइन सी बाय सी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक और एल्टीट्यूड यहाँ पर लें, ठीक है, और इसे हम मिटा दें, ठीक है, और इस एल्टीट्यूड की लेंथ सपोज हम एच वन ले लें। ठीक है, इस एल्टीट्यूड की लेंथ हम एच वन ले ले, तो यहां से भी आपको सेम ऐसा रिलेशन मिलेगा जो कि होगा साइन ए बाय ए इक्वल्स टू साइन सी बाय सी। ठीक है, ये भी साइन ए बाय इक्वल्स होगा साइन सी बाय सी के, और इन तीनों को हम एक साथ लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ए बाय ए इक्वल्स टू साइन बी बाय बी इक्वल्स टू साइन सी बाय सी। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ साइन या साइन रूल का डेरिवेशन। ठीक है, ये कोई भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, वेदर इट इज एक्यूट एंगल, वेदर इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, और वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैं आपको थोड़ा, अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल से भी प्रूफ करना है तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल सॉरी, इसका वर्टेक्स ले लेते हैं हम ए, इसका ले लेते हैं बी, इसका ले लेते हैं सी। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जो आप हाइट कैलकुलेट करेंगे उसको आपको ट्राइंगल के बाहर से मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये छोटा सा भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एंगल सी है, ठीक है, और ये बी है। ठीक है, ये बी है, ये हो जाएगा 180 माइनस बी, 180 माइनस बी। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं साइन 180 माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ का साइन निकालूं, साइन बी वुड बी इक्वल्स टू एच बाय साइज लिख देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, एच बाय सी छोटा वाला ट्रायंगल में, और साइन सी भी आप लिख सकते हैं बी बाय एच सॉरी एच बाय। ठीक है, तो इससे भी सेम यही आप
आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वेदर ट्राइंगल कुछ भी हो, ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, लॉ ऑफ साइन सभी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। इसे आप यूज कर सकते हैं और इसका यूज आप फिजिक्स में कर सकते हैं, वेक्टर्स भी कर सकते हैं, बहुत जगह इस फॉर्मूले का यूज आता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।